ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। महादेव ऐप सट्टा का खुलासा करने वाले एसपी अभिषेक पल्लव को स्टिंग ऑपरेशन के जाल में फंसाने किस तरह साजिश रची गई, इसका खुलासा एसपी पल्लव ने एक वीडियो जारी कर बताया। करीब एक माह पूर्व किया गया, तीन से चार लोग मेरे रेफरेंस पे आए थे, उनमें से एक महिला द्वारा मुझे कॉल किया गया था और बताया गया था कि वह महादेव ऐप को समझना चाहती है और उससे कुछ डिस्कस करना चाहती है। करीब तीन घंटे के वार्तालाप के कुछ सेंटेंसेस को कट करके ऐसा चलाया गया जिससे कि डिस्टॉर्टेड मैसेज जो है वो जा रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल सर द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शंस सारे पुलिस अधीक्षकों को, स्पेसिफिकली दुर्ग और एवं रायपुर के पुलिस अधीक्षक को दिया गया था कि महादेव ऐप के ब्रांचेस शहर के अंदर, राज्य में कहीं भी और देश के भी कहीं पर हो तो उस पर छापामार कार्रवाई करनी है। दुर्ग में 27 अप्रैल 2022 से लेके 27 मई 2023 तक दुर्ग में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत था। इस बीच मेरे द्वारा 40 ब्रांचेस को देश भर में महादेव ऐप को नस्ताबूत किए गए, जिसमें कि 8 अलग अलग राज्यों में जाकर टीम ने कार्रवाई की। इसमें 15 करोड़ से ज्यादा पैसे फ्रीज किए गए और 150 करोड़ के ट्रांजेक्शन हमें मिले। करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सारे गिरफ्तारियां मीडिया के सामने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, जिसमें मेरे द्वारा उनसे जो पकड़े गए लोगों से प्रश्न पूछा जाता था और मीडिया बंधु भी अपने प्रश्न पूछ सकते थे। पूरे पारदर्शिता के साथ महादेव ऐप पर दुर्ग पुलिस ने लगातार कार्रवाई किया। ये कहना गलत होगा कि हमें किसी कार्रवाई के लिए किसी भी तरह से कोई रोक टोक था। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब भी हम कार्रवाई करते थे इसके बारे में जानकारी देते थे, वो स्वयं इसकी जानकारी लेते थे और लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते थे। ये कहना गलत होगा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी मुझे इसमें कभी भी रोका गया हो। मेरे रेंज आईजी एवं डीजी सर द्वारा भी एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ऑनलाइन बेटिंग पे ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी है और इसकी वीकली मॉनिटरिंग की जा रही थी, क्योंकि इसके सरगना यूएई में, दुबई में रहते थे। मेरे द्वारा तुरंत उनके लुकआउट सर्कुलर इशू किए गए, उनके खिलाफ 4 एफआईआर गैर जमानती 420 आईपीसी के तहत की गई। क्योंकि विभिन्न राज्यों में इनके पैनल्स फैले हुए थे तो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि पुलिसिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसके बावजूद हमने 8 राज्यों में जाके 17 ब्रांच को जो है वहाँ की पुलिस के कोऑर्डिनेशन में नस्ताबूत किए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।